ग्राफिक डिजाइनिंग एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्टेप बैक रह जाते हैं। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनके बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को, अपने कंपनीज के, जो भी आप फ्रीलांसर कर रहे हैं या खुद का कंपनी है या खुद का ब्रांडिंग करिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग आपको जो बहुत हेल्प करता है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपके पास पेड टूल्स नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पेड टूल्स नहीं, आप फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर के अंदर, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। अब क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो इसको मुझे समझाने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि किस तरह से कौन कौन से फ्री टूल्स हैं, फ्री टूल का इस्तेमाल करके कैसे आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप जो है सोशल मीडिया के पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई कस्टमाइज्ड जो डिजाइन है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये आज के उस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। सो हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एज यू कैन सी यहां पर एक मैं वेबसाइट मैंने ओपन करी है जिसका नाम है canva.com। ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है गाइज। अभी इसमें हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजाइन है, बहुत हमारे ऊपर है कि हम यहां से आइडिया, जैसे कि हमने कंटेंट क्रिएशन के देखा था कि वहां पे आइडिया होना जरूरी है, तो यहां पर भी जो है आइडिया, आपको बहुत सारी चीजें पहले से रेडीमेड मिल जाती हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह की क्या चीज डिजाइन करनी होती है, राइट। तो यहां पे आपको करना क्या है, आपको canva.com पे जाना है और जाने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप अपने जो है उसमें साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप करने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहां पे साइन अप करके रखा हुआ है तो इसलिए मुझे यहां पे ये स्क्रीन दिख रही है। अगर आप लोग साइन अप नहीं करे होंगे तो यहां पे ये स्क्रीन नहीं, आपको एक दूसरी स्क्रीन देखने को मिलेगी जहां पे साइन अप करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसका करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे, और स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहां पे कई सारे डिजाइन हैं, राइट। यहां पे क्रिएटर डिजाइन आप फेसबुक पोस्ट के लिए करना चाहते हैं, लोगो डिजाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक जो कवर आता है उसका जो कवर इमेज है बेसिकली उसका कर सकते हैं। यहां पे एनिमेटेड सोशल मीडिया का कोई अगर आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, पोस्टर डिजाइन करना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, राइट, वीडियो के हिसाब से जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा एक इस फोन के अंदर जो है वीडियो चल रही है तो वैसा करना है, इन्फोग्राफिक्स वगैरह है, फिर इनविटेशन है, कार्ड है, फ्लायर है, योर स्टोरी है, तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कई सारे डिजाइन मैं यहाँ पे करते रहता हूं, ये सारे मेरे डिजाइन करे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कई सारे डिजाइन जो है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट आपको पहले से मिल जाते हैं, कुछ लोगोस के आइडिया यहाँ पे मिल जाते हैं, पोस्टर्स के आइडिया मिल जाते हैं, थंबनेल्स के आइडिया मिल जाते हैं, फेसबुक पोस्ट के आइडिया मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे भरी पड़ी हैं। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे आइडिया की कोई कमी नहीं है। पहली चीज जो सबसे पहला जो काम है हमारा वो है हमें लोगो क्रिएट करना है। तो लोगो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगो का जो है वो कहाँ पर है, लोगो हमें फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक स्टार्टिंग के अंदर ही है, तो स्टार्टिंग में चलते हैं हम, यहाँ पे पोस्टर पे है, ये रहा लोगो, राइट। लोगो पे हम क्लिक करते हैं तो जैसे हम लोगो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे एक अलग से लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी बेसिकली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगो से रिलेटेड ही सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है इसको यूज कैसे करना है, ये आपका व्हाइट एरिया है, ब्लैंक एरिया, इसमें जो है आप पूरा डिजाइन करेंगे। इस व्हाइट एरिया से अगर कोई बाहर जाता है तो आपका जो है वो लोगों के अंदर या आप जो भी इमेज रेडी कर रहे हैं उसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे आप जो है कुछ टेम्पलेट्स है, आप देखते हैं यहाँ पे लोगों से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं जिनका आप इस्तेमाल करके क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फोटोज आपको मिल जाती हैं, कुछ फ्री हैं और कुछ पेड फोटोज यहाँ पे अवेलेबल हैं, कई सारी फोटोज आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, इनमें से बहुत सारी फ्री हैं और बहुत सारी पेड भी हैं। फिर यहाँ पे जो है एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एलिमेंट्स में आपको जो है यहाँ पे कुछ आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे जैसे कोरोना वायरस चल रहा है अभी तो कोरोना वायरस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इमेजेस मिल जाती हैं आपको, फीचर्ड है, और यहाँ पे ग्रिड्स मिल जाती हैं, शेप्स मिल जाती हैं, फ्रेम्स मिल जाते हैं, कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं जो एनिमेटेड हैं, चार्ट्स मिल जाते हैं, ग्रेडियंट्स मिल जाते हैं, लाइंस मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है जिनका हम इस्तेमाल अपने
पोस्टर या अपना लोगो वगैरह डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहां पे हमें जो है एक अमेजिंग चीज मिलती है, दैट इज टेक्स्ट। आपको अगर खुद को नहीं पता चल पा रहा कि किस तरह का आपको लिखना है, तो आपको कुछ प्री डिफाइंड जो है आपके जो पोस्टर्स बनाएंगे उसके हिसाब से किस तरह से टेक्स्ट होना चाहिए, बेसिकली वो सारी चीजें आइडिया आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो आप इनमें से जो भी यूज करना चाहते हैं, बस आपको करना क्या है, या तो आप इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, या फिर आप इस पे सीधा ऐसे क्लिक कर देंगे तो भी यहां पे आप देख सकते हैं ये आ जाता है, राइट। तो मैं यहां पे जो है इसको डिलीट कर देता हूं, तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वाला करा था, ये वो हो गया। अब इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहां पे सीधा सिंपल है बहुत ही, इसको यहां पे सेलेक्ट करना है और हमने डिलीट का बटन दबा देना अपने कीबोर्ड पे। और इसी तरह से कुछ वीडियोस यहां पे हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम कुछ वीडियोस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो भी यहां पे जो है हम लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स अगर कुछ चाहिए हैं तो यहां पे बहुत ही अमेजिंग बैकग्राउंड्स के लिए डिजाइंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिनका हम अभी इस्तेमाल भी करेंगे। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं भी पसंद आया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कुछ चीजें जो है मैं यहां पे खुद की अपलोड करता हूं, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वैसे तो इतने सारा यहां पे लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है हमने। चलिए अभी हम जो है सबसे पहले लोगो डिजाइन करते हैं फॉर दी नीतू फैशन वेरा। तो मैं टेम्पलेट्स पे जाता हूं और टेम्पलेट्स में जाके मुझे एक फैशन से रिलेटेड जो है मैं यहां पे ऊपर सर्च कर सकता हूं कि मुझे फैशन से रिलेटेड चाहिए है, तो मैं यहां पे फैशन लोगो करके एक बार सर्च करता हूं। तो आप जिसने फैशन के लिए कुछ लोगोज जो है यहां पे आपके लिए मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपको एक फैशन के हिसाब से लोगो चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मुझे ये वाला लेना है, तो मैंने ये वाला क्लिक करा इस पे, तो ये मेरे पास यहां पर आ गया, राइट। अब मुझे इसमें से ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज करना है, कुछ नहीं मुझे यहां पे सेलेक्ट करना है और मैं यहां पे लिख देता हूं से फॉर एग्जांपल नीतू फैशन एरा, ठीक है, फैशन के स्पेलिंग फैशन और मैं यहां पे कर देता हूं एरा, तो ये मेरा हो गया यहां पे नीतू फैशन एरा का हमने यहां पे लिख दिया। अब नीचे जो है यहां पे हम कर देते हैं से फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग लुक, ठीक है ना, यहां पे ट्रेंडिंग लुक लिख दिया हमने, या जो भी आप उसकी टैगलाइंस वगैरह डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अब ये जो लोगो है यहां पे, इस लोगो को अगर आपको कलर चेंज करना है, अगर यही रखना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत आसानी से यहां पे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये यहां से नहीं चाहिए है तो आप इसको अनग्रुप पे क्लिक करें, तो ये आपकी इमेज जो है वो एक अलग यहां पर हो चुकी है। तो अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अभी यहां से जो है एलिमेंट्स में जाता हूं और एलिमेंट्स में जाकर यहां पर मैं कुछ जो है फैशन से रिलेटेड चीजों को मैं यहां पे सर्च करूंगा, तो मुझे यहां पे फैशन से रिलेटेड चाहिए है ताकि मैं कोई इमेज यहां पर डाल सकूं। तो फैशन लिख के अगर सर्च करते हैं तो यहां पर कई सारी चीजें आप देख सकते हैं आ रही हैं, और जिन पे यहां पे फ्री लिखा हुआ है वो अगर आप यूज करते हैं तो फ्री है, अगर आपको कुछ पेड वाली यहां पे जैसे ये प्रो लिखा हुआ था, यानी कि ये पेड वाली है, राइट। तो जिस पे प्रो लिखा है वो आपकी पेड है, और जिस पे ये बना हुआ ना वो आपका फ्री है, तो वो आप फ्री के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसी चीजें आपको चाहिए वैसी आप यहां पे देख सकते हैं। तो मैं यहां से कुछ देख रहा हूं कि शायद ये वाली इमेज जो है वो मुझे ज्यादा आइकन जो है वो अच्छा लग रहा है, तो मैं ये यहां से आइकन को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं, राइट, ये मैंने बड़ा कर लिया। अब ये नीतू फैशन एरा जो है वो इधर थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, इसकी जो हमारी टैग लाइन है उसको भी मैंने यहां पे कर दिया। तो यहां पे इस तरह से कुछ सेंटर पे कर देते हैं, और यहां पर जो है इस लोगो में जो कलर है वो मुझे कुछ चेंज करना है, तो कलर मुझे यहां पे अपने हिसाब से रखना है, तो ये मैं अपने हिसाब से यहां से जो भी कलर मुझे चाहिए है वो मैं यहां पे कलर रख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये मुझे कलर लग रहा है कि ये ज्यादा सूट करेगा या ये ज्यादा अच्छा लगेगा, तो जो भी कलर आपको चाहिए वैसा आप कलर यहां से रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, अब इसके बाद ये देख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दिया कि किस तरह से आप बहुत आसानी से लोगो जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमने एक लोगो डिजाइन कर लिया, अब आपको यहां पे क्या करना है, सेव करना है इसको। सेव कैसे करना है, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आपका सजेस्टेड में पहले PNG सेलेक्टेड है, और PNG के बाद JPG है, यहां पे PDF है ना, और यहां पे ये इन तीनों में से आपका जो है जैसा आपको चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैं PNG को यहां पे डाउनलोड कर लेता हूं, और अगर आप यहां पे कोई आइकन पेड वाला लेते हैं तो
तो पेड वाले आइकन को आप यूज करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड जो करने जाएंगे तो आपको ये पहले पेमेंट को करने के लिए बोलेगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये मुझे पेड वाला आई बिलीव, यस ये पेड है। अब देखते हैं बीच में एक जो है कैनवा का एक लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बीच में लाइन्स आ रखी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज जो है यूज करने के लिए मुझे क्या बोला, $1 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पे एंड डाउनलोड। तो मुझे अगर ऐसा करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर $1 के अंदर कोई अच्छी सी इमेज आपको मिलती है तो आप आई थिंक आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज अगर बाहर किसी से भी डिजाइन भी करवाओगे लोगो वगैरह तो वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो यहां से हम जो है इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं तो ये आपका जो है इमेज रेडी हो गई है और ये आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूं और ये जो इमेज हमारी डाउनलोड हुई है इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। तो ये आपका एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तब तक जो है मैं आप लोगों को चीजें कुछ दिखाता हूं कि लोगो डिजाइन करते वक्त आपको क्या चीज को ध्यान में रखना है। लोगो को डिजाइन करते वक्त जो है आपको, जैसे यहां पे मैं से फॉर एग्जांपल लिखता हूं ब्रांड लोगो, ठीक है, ब्रांड लोगो पे क्लिक करते हैं और इमेजेस पे चलते हैं। तो यहां पर आपको चीजें जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि आपको लोगो को किस तरह से डिजाइन करना है। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहां पे से फॉर एग्जांपल Amazon का लोगो ले लेते हैं क्योंकि ये काफी आप लोग भी पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूं। तो यहां पे Amazon लोगो लिखते हैं तो आप देखते हैं कई तरीके के Amazon के लोगो अवेलेबल हैं। अगर ये आपका एक लोगो है जो स्क्वायर के अंदर है, राइट, और एक लोगो आपका इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, तो हम, हमारे सामने ऐसा लोगो आए तब भी हम पहचान लेते हैं, ऐसा लोगो आए तो भी हम पहचान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक आपका जो है रेक्टेंगल और एक आपका जो है यहाँ पे वर्टिकल जो है आपको पूरा लोगो डिजाइन करना पड़ता है ताकि आप अगर वेबसाइट्स वगैरह पे यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है इसकी जगह पे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे पोस्टर्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं वहां पे आप ये सिंगल लोगो ना करके आप ये कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आप लोगो डिजाइन करोगे उसके अंदर आपको कुछ यूनिक रखना है ताकि लोगों को, आपका स्क्वायर लोगो हो, छोटा लोगो हो या फिर आपका बड़ा लोगो हो, तो आप वो लोग जो है वो आपके इस लोगो से इसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी है ये आपका एरो, इस एरो की वजह से अगर आपका ए के नीचे ये एरो लगा है तो हम पहचान जाते हैं कि ये Amazon का लोगो है और Amazon लिखा हुआ और उसके नीचे यहां पे लिखा तो भी, अब Amazon.com लिखा है तो भी इसके नीचे जो है एरो हमें देखने को मिल रहा है। तो लोगो को डिजाइन करते वक्त हमें दो तरीके से लोगो डिजाइन करना है, एक तो स्क्वायर करना है और एक आपका इस तरह का लंबा जो है बड़ा आप कर सकते हैं। अब इसको जो है ये हमारी इमेज जो डाउनलोड हुई है उसको अब शो करके देख लेते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन विद यहाँ पे मैं फोटो कर लेता हूं, सॉरी यहां से शायद ये दिखेगा नहीं, तो मैं दोबारा से इसको जो है ओपन करता हूं। ओपन विद पे जाते हैं हम, यहाँ पे ओपन विद में और विंडोज फोटो व्यूअर के साथ में हम चलते हैं तो देख सकते हैं ये आपका लोगो विदाउट एनी वाटर मार्क्स वगैरह जो है ये हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपना लोगो जो है डिजाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाऊं मेरी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे अगर निरंकारी इन्फोटेक पे जाता हूं तो यहां पर आप देखते हैं ये जो लोगो है ये बेसिकली यहीं से डिजाइन करा गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर लोगो भी ऊपर लगा हुआ है और लंबा लोगो जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे वर्टिकल में हमारे पास जो है रेक्टेंगल के अंदर जो है क्रिएट किया हुआ है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे जो है आसानी से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोगो क्रिएशन। अब इसके बाद जो है लोगो क्रिएशन करने के बाद जो है अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया के लिए अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, तो पोस्ट क्रिएट करना है तो से फॉर एग्जांपल फेसबुक का कोई पोस्ट मुझे क्रिएट करना है, मैंने फेसबुक पे क्लिक करा और यहां पर जो है अभी फेसबुक पोस्ट क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी लाइब्रेरीज जो है वो हमारे पास ओपन है। तो यहां पर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो मैं यहाँ पे डिजिटल करके एक बार सर्च करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल करके काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब इसमें से जो है कोई भी हम ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमें जो है कुछ इसमें से तो पसंद नहीं आ रहा मुझे, तो अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम कुछ इनको ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, ऑल में जाके कुछ नया डिजाइन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर कोरोना मदर्स डे ईद का है और देख लेते हैं,
तो से फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट में जो है आपके कुछ इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। तो मैं इनमें से कुछ एक डिजाइन ले रहा हूं, ये डिजाइन मुझे यहां पे अच्छा लग रहा है या फिर ये डिजाइन ले लेता हूं, ठीक है ये डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें मुझे करना क्या है, से फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे चाहिए कि यहां पे मैं लिख दूं कि डिजिटल मार्केटिंग, राइट डिजिटल मार्केटिंग, और ऊपर में जो ये कोड लिखा हुआ है तो यहां पे लर्न फ्रॉम टेक गुरु मंजीत, ठीक है लर्न फ्रॉम टेक गुरु मंजीत और डिजिटल मार्केटिंग कर दिया। और नीचे अगर आपको कुछ अपनी वेबसाइट का डिटेल देना है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ +91 और 8319893647, और यहाँ पे मैं नीचे अपनी वेबसाइट का डाल देता हूँ www.nirankariinfotech.com। तो ये कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो इमेजेस मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग की तो है नहीं है, मुझे यहाँ पे चेंज करनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और फोटो में चलते हैं। फोटो में जाकर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो आप देखते हैं यहाँ पे कई सारी इमेजेस जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये मैं लाकर सीधा इसमें से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। एक ये भी अच्छी लग रही है तो इसको भी कर देते हैं। और यहाँ पे कई सारी इमेजेस हैं जो कि फ्री भी हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये बीच वाली मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि पेड है, उस पर कैनवा का लोगो आ रहा है तो वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो जो फ्री वाली है ये आपकी फ्री है, ये भी आपकी फ्री है, तो मैं ये वाली चेंज करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब एक और बची है तो उसके लिए मुझे कोई यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये भी आपकी फ्री है, राइट। तो ये मैंने तीन इमेजेस लगा दी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये एक मेरा जो है सोशल मीडिया के लिए पोस्ट जो है फेसबुक के लिए रेडी हो गया। अब इसमें मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बहुत आसानी से एकदम प्रोफेशनल लुक के हिसाब से जो है ये पूरा बन चुका है। तो यहां पर अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको एज इट इज ही रहने देता हूं, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूं मेरी वेबसाइट के nirankariinfotech.com, क्योंकि अभी मेहनत करी तो इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूं। डायरेक्टली यहां से फेसबुक पे पब्लिश भी कर सकते हैं पर मैं डाउनलोड कर लेता हूं इसको। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा जो है दूसरा पोस्ट रेडी हो चुका है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ये हमारा जो है पोस्टर डाउनलोड हो गया। मैं आपको इसको भी ओपन करके दिखा देता हूं। तो इसको भी मैं ओपन विद कर लेते हैं फोटो व्यूअर, राइट विंडोज फोटो। अब देखते हैं कितनी आसानी से हमने जो है बहुत ही फैंटास्टिक लुक वाला जो है यहाँ पे प्रोफेशनल, ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल ने डिजाइन करा है, राइट। तो ये हमें जो है बिल्कुल आसानी से बन गया। अब तीसरी चीज जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास बिल्कुल ही ब्लैंक लेना है, आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, राइट। हम तो कुछ नया पोस्टर बनाना चाहते हैं तो मैं ये सारी चीजें जो है अभी क्या कर देता हूं, यहां से डिलीट कर देता हूं। से फॉर एग्जांपल यहां से मैं सारी चीजें इनको डिलीट कर देते हैं। चलो भाई सब डिलीट हो जाओ। तो ये हमारा ब्लैंक हो गया। अब इसमें से मुझे जो है सबसे पहले क्या करना है, मुझे कुछ बैकग्राउंड चाहिए है। तो मुझे बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे जो है एक वेब डिजाइनिंग का जो मेरा कोर्स है उसके लिए मुझे कोई एक पोस्टर सपोज कर लो मुझे डिजाइन करना है। सो लेट मी सी कि कौन सा अच्छा लगेगा। आप इसमें से जो भी जैसा भी कलर चाहिए वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक चाहिए। लेट सी थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। इमीडिएटली सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती, थोड़ा सा आपको भी अपना क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें से निकाल कर लाना पड़ेगा, तब जाकर जो है आपका यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार वेब डिजाइनिंग करके जो है वेब डिजाइन करके यहाँ पे सर्च करता हूँ, राइट। तो वेब डिजाइन के हिसाब से फॉर एग्जांपल ये क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करके जो है यहाँ से सारी चीजों को वापस से सर्च कर लेते हैं और कुछ अच्छा सा डिजाइन सोचते हैं इसमें से। तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर नहीं करेंगे पेशेंस नहीं है तो आप नहीं डिजाइन कर पाएंगे। सो लेट सी मुझे ये लेना है, ठीक है। सो ये मैंने लेना है। अभी ये हमारा जो है एक आ गया। अब इसमें मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे मेरा लोगो प्लेस करना है। तो लोगो प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब लोगो तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं है तो व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे यहाँ पे अपलोड में जाना पड़ेगा। तो अपलोड में यहाँ पे मेरे पास पहले से लोड किया हुआ है
तो मैं उसी को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं लोगों को, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, तो यहां से इसको जो है थोड़ा सा लोगों को हम छोटा करते हैं, ये इतना कर लेते हैं ताकि ये विजिबिलिटी रहे। तो ये हम यहां पे लिख देते हैं, लोगों को यहां पे लगा देते हैं। और अभी मुझे जो है लोगों के बैकग्राउंड में कुछ एक, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं आ रही है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज मुझे कुछ ना कुछ यहां पे एलिमेंट में से जाकर यहां से कुछ एक आइकन वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। तो व्हाट, लेट मी सी, यहां पे कुछ अच्छा आइकन मिल जाए मुझे तो। सो लेट मी सी यहां से आई थिंक ये स्क्वायर वाला ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर वाला मैं यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं और यहां पर ले जाकर इसको रख देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं छोटा, जैसा आपको कलर चाहिए है वैसा हम इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सेट करना है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, जैसा मुझे साइज चाहिए वैसा इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मुझे कलर जो है वो इसके बैकग्राउंड में चाहिए है वाइट कलर, तो मुझे वाइट कलर चाहिए तो मैंने वाइट कलर डाल दिया। अब मुझे इसके ऊपर जो है इसको रखना है तो मुझे इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ेगा, एक सेकेंड इसको साइड करता हूँ और इसको मैं को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है। तो ये था अब, क्योंकि उसके नीचे जा रहा था, अब जो है ये फ्रंट साइड पे आ गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। तो ये हमारा लोगो जो है इसके ऊपर सेट हो गया है। अब जैसा इसमें से चाहते हैं वैसा आप डिजाइन ले सकते हैं, जैसा आपको प्रेफर है। मैंने, मेरे को ऐसा चाहिए था, मैंने कुछ ऐसा लगा दिया। अब मुझे यहां पर जो है कुछ लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे यहां से कुछ आइडिया लेना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल यहां से कुछ ले लेते हैं, कुछ और सर्च करते हैं ताकि कुछ अच्छे से आ जाए। सो जैसे कि ये सर्टिफिकेट वाला है, ये वाला या फिर ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं ये इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो बस यही चाहिए मुझे यहाँ पे, मैं जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे ले लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके इस तरफ करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मुझे एलिमेंट्स में से कुछ लाइंस भी चाहिए हैं, लाइन जो डॉटेड लाइन मुझे प्रेफर्ड है तो मैं डॉटेड लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने डॉटेड लाइन ले ली और ये डॉटेड लाइन इसके ऊपर साइड में या फिर नीचे साइड पे लगा देते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आते हैं यहाँ पे। इसका कलर चेंज करके मैं इसको वाइट कलर में कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ और भी लिखना है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न वेब डिजाइनिंग। वापस से टेक्स्ट पे चलते हैं और टेक्स्ट पे जाके ये वाला ले लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर करते हैं यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेब डिजाइनिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइज बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये आ जाए और ये जो ऊपर में लिखा है उसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे कर देते हैं लर्न, ठीक है। लर्न वेब डिजाइनिंग आ गया। सर्टिफिकेट को कंप्लीशन ये थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि यहाँ पे रहे और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है थोड़ा सा और नीचे, ये सेट कर दिया हमने। अब इसको भी थोड़ा सा नीचे लेते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा हॉच पॉच सा हो रहा है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। और अगर हम इस सर्टिफिकेट वगैरह को जो है थोड़ा सा साइज छोटा करना चाहते हैं, अगर बड़ा लग रहा है तो इसको हम इस तरह से छोटा साइज में कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा साइज हो गया और लाइंस को भी थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि उसके नीचे कंप्लीट सेट हो जाए। तो इसको भी थोड़ा सा और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन या फिर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना है तो मुझे सिंपल कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा सिंपल होनी चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से और इसको जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आते हैं और इसके अंदर यहाँ पे ले लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट और उसके नीचे साइड पे हम देते हैं +918319893647 और ये हमने कर दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसी के नीचे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, निरंकारी infotech.com।
तो ये कर दिया मैंने, और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करके यहां पर छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं यहां पे जो है ये एक और हमने यहां पे अपने हिसाब से जैसा मेरी इमेजिनेशन थी वैसा आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा आप यहां पर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर चेंज करना है, ये कलर पसंद नहीं है कि आपको कोई दूसरा कलर लेना है, या इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसा इफेक्ट डालना है, जैसा भी आप करना चाहते हैं वैसा आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, आप इसको भी मुझे यहां पे डायरेक्टली फेसबुक पे ना पब्लिश करके मुझे सीधा का सीधा यहां से डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करके ये डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने और ये मेरा डाउनलोड रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद जो है ये प्रिपेयरिंग हो रहा है मेरा डिजाइन, क्योंकि सारे चीजें मैंने यहाँ पे यूज करी है जो वो सिर्फ टेक्स्ट और अपना लोगो ही इस्तेमाल करा जो कि लोगो मेरा है खुद का, और ये कर दिया और आपका डिजाइन यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है ऑलमोस्ट डन। और जैसे यहाँ पे जो है डाउनलोड हो जाएगा तो ये हमारा वेब डिजाइनिंग, हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग है बेसिकली वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को जो है काफी अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि कितनी आसानी से कितना बेहतर चीजें जो है आप इमेजिनेशन के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको पोस्ट बनाने के लिए किसी भी ग्राफिक डिजाइनर पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से जो है यहां से सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपका जो है रेडी हो चुका है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से आ गई हैं। आई होप गाइस कि आपको जो है आज के इस वीडियो के अंदर पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से फ्री टूल का इस्तेमाल करके आप अपने अमेजिंग ग्राफिक्स जो है वो बना सकते हैं, बिकॉज ग्राफिक जो है वो आपकी ब्रांडिंग को विजिबिलिटी देता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न दी ग्राफिक डिजाइनिंग। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।